हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आया हूँ एक प्लेस जहाँ पर थोड़ा बैठ के रेस्ट ले सकते हैं। सुकून लाइफ है यहाँ पर। आपके घर के अंदर जो बोल्डर्स आते हैं, देखो वो कहाँ से आते हैं कि आप लोगों को पता है? मैं वो आप लोगों को साइट पर दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा कैसे आते हैं बोल्डर्स। वो सब ये इस तरह से क्वारीज रहते हैं, जगह जगह ऐसे क्वारीज होते हैं बड़े बड़े, जैसे जेसीबी हिटाची की मदद से ना इनको ब्रेकर के थ्रू से ब्रेक करके आपके घर के अंदर कंकर वो सब आता। देखो ऐसे ही ये वाला पत्थर, पानी है अंदर फिलहाल, रॉक्स देख लो। और कई लोग बोलते हैं आपका कंकर जो है थोड़ा सफ़ेद है, थोड़ा काला है, क्यों? यही रीज़न है, बिकॉज ये कैसा रहता है, ये फ्रेश अगर ये तोड़े ठीक है, अगर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट रहता तो वो वाला कंकर वाइट रहता। एंड ग्रैनाइट से भी आप लोग कंकर बना सकते हैं। ऐसा है देखो, ये एकदम प्योर क्लीन वाटर है, ये सबसे शुद्ध पानी बोला जाता है इसको। क्यों बोलो? ये जो आता देखो पत्थर के बीच में से जो पानी आता देखो, ये सबसे शुद्ध पानी। और ठंडा भी है एंड कुछ स्मेल नहीं है इसके अंदर, क्लीन पानी ऐसा है। बहुत बढ़िया, पूरा अमृत जल है। क्या जबरदस्त दिख रहा है, देखने को एकदम क्लीन वाटर, बहुत ही मस्त। वहाँ पर वायर है, शायद ब्लास्ट भी करते होंगे इधर। दोस्तों आज आया हूँ गुंबस को, वैसा भी एक बात बोलता, अगर आप जिंदगी में निराश है ना, ये प्लेस को आ जाओ, ऐसे पुराने प्लेस को, और सुकून से रह सकते। देखो सो जाओ, पियो, हुक्का मारो, कुछ तो करो। ये देखो बढ़िया प्लेस है। इस गुम्बद से ना मेरा एक यादें भी इससे साथ जुड़ा हुआ है। यही जगह पे मैं आके पढ़ाई करता था मेरा सिविल इंजीनियरिंग का, लगभग 3 सेम मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ आखिर के। सबसे अनोखा और यूनिक प्लेस है और अपन लाए टाइगर, नाश्ता के लिए नहीं है बट
खाने खाने को ये लाए कटलिस। वाह बढ़िया दिया। और साथ में खाने को बिस्किट भी लाए। सोच रहा हूँ थोड़ा सो जाऊँ सुकून से 6 बजे तक, उसके बाद जाना घर पर।